नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पर सीबीआई के द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने हरीश रावत पर सीबीआई के द्वारा मुकदमा दर्ज करने का पुरजोर विरोध किया। साथ ही उन्होंने मांग की कि इस मामले में दो अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी हैं, उन पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने मांग की है कि सरकार उनको तत्काल मंत्री पद से हटाए। हरीश रावत पर सीबीआई के द्वारा मुकदमा दर्ज होने पर पूरी कांग्रेस पार्टी हरीश रावत के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में सरकार और सीबीआई के द्वारा उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश रावत जी के खिलाफ 3.25 साल तक उनका उत्पीड़न करने के बाद सीबीआई ने कोर्ट के आदेश पर जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर में केवल हरीश रावत जी न होकर के राज्य के एक मंत्री हरक सिंह रावत और स्टिंगकर्ता उमेश शर्मा को भी उनके नाम भी सीबीआई ने शामिल किए और यह कहकर के शामिल किए कि इस षड्यंत्र के रचयिता ये दो लोग हैं। नरेंद्रनगर विधानसभा की दोगी पट्टी के बुरे हाल है। इस क्षेत्र में दूर संचार व्यवस्था अक्सर लड़खड़ाई हुई नजर आती है। आलम यह है कि कई दिनों तक लोग फोन पर अपने रिश्तेदारों या फिर संबंधियों से बात नहीं कर पाते। जिस दोग पट्टी की हम बात कर रहे हैं वो 23 ग्राम पंचायतों के 41 गांव की है। इसमें 31,000 लोग रहते हैं। इस क्षेत्र के अधिकतम युवा भारतीय सेना में हैं, लेकिन डिजिटल भारत के दौर में ये गांव ऐसा है जहां सीमा पर तैनात एक जवान अपने घर पर फोन के जरिए बात भी नहीं कर सकता। क्षेत्र के मुंडला, सिलकणी, तिमली और घिंगुड़ में 4 टावर लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। लोगों का कहना कि 15 साल पहले मुंडला में लगा टावर सही हालत में नहीं है, जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। लोगों का ये भी कहना है कि शोपीस टावर को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए और संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ये टिहरी जनपद का, शायद उत्तराखंड का बहुत सुदूर इलाकों में ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार ने नाम मात्र के लिए दूर संचार के टावर लगाए, जो कि एक सिर्फ वो मॉडल के तौर पर कि ये यहाँ पर हमने दूर संचार की व्यवस्था कर दी है। और एक मुंडाला जगह है जो 3-4 सालों से जिसकी दूर संचार व्यवस्था ठप है। मू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ में दीपोत्सव यानी कि दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। सैकड़ों श्रद्धालु पवित्र अलकनंदा नदी तट पर पावन कार्तिक गंगा स्नान का पूर्ण लाभ अर्जित करने पहुंचे। वहीं इस मौके पर बद्रीनाथ धाम को पीले गेंदे के फूलों से सजाया गया था। ये पुष्प मुंबई के एक उद्योगपति के द्वारा यहाँ पर हर साल दिए जाते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया था। बद्रीनाथ धाम में महालक्ष्मी के पूजन को काफी शुभ माना जाता है। तीनों मंदिरों में दीपावली मनाई जा रही है, गंगोत्री मनाई जा रही है, केदार में मनाई जा रही है, यमुनोत्री मनाई जा रही है और चौथा मंदिर बद्रीनाथ जी यहाँ दीपावली मनाई जा रही है। पूरा पुष्प श्रृंगार यहाँ पे हो रहा है और ये करणम कारणम करता करने वाले भगवान, कराने वाले भगवान मुंबई के कोई उद्योगपति हैं माननीय SP बियाणी जी, कई वर्षों से ये मंदिर में फूल भेजते हैं। कर्णप्रयाग बाजार में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में आग लग गई। आग लगने से करीब 5 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। बीती रात को 1 बजे ये आग लगी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर सर्विस की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए डाले गए पानी से बगल वाली दुकान का सामान भी बर्बाद हो गया। कोटद्वार पुलिस ने 44 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। SSP के आदेश पर पौड़ी जिले में नशे के खिलाफ पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कोटद्वार पुलिस के द्वारा अवैध शराब को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बालासोर तिराहे पर कुल 44 पेटियां शराब बरामद की गई, जिनकी कीमत करीब 5 लाख आंकी गई है। साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। पंचायत चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की सीट पर उपचुनाव होने हैं। पूर्व मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद खाली हुई सीट पर कांग्रेस के कई दिग्गज दावेदारी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने इस उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मजबूत प्रत्याशी बताते हुए उन्हें टिकट देने की पैरवी कर डाली। सोशल मीडिया पर लिखी गई एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि हरीश रावत मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व विधायक मयूख मेहर को उपचुनाव के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार और चुनाव लड़ने का हकदार बताया। आपको बता दें कि इस सीट पर 25 नवंबर को उपचुनाव होना है। उत्तराखंड क्रिकेट को मान्यता मिलने के बाद अब देवभूमि में क्रिकेट को लेकर बच्चों में जोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में हरिद्वार के क्रिकेटरों में खुशी का माहौल है, क्योंकि यहां से अनिकेत का चयन अंडर 16 टीम के लिए हुआ है। अनिकेत लेफ्ट आर्म के चयनमैन गेंदबाज हैं। उत्तराखंड की अंडर 16 विजय हजारे मर्चेंट ट्रॉफी के लिए 15 सदस्य टीम में उनका चयन हुआ है। अनिकेत और उसके परिवार ने भी इस पर खुशी जताई।
वहीं अकादमी चला रहे प्रिंकल तोमर का कहना है कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर होना काफी कठिन होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में अनिकेत देश दुनिया में हरिद्वार का नाम बढ़ाएंगे। मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा कुलदीप यादव, कुलदीप यादव की जिस तरीके की बॉलिंग है मैं उसी तरीके की बॉलिंग करना चाहता हूँ। उसका एक्शन बहुत अच्छा है और वो इंडिया में पहला चाइनामैन है और मैं उसी की तरह बनना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंट अंदर छुपा हुआ है, उनको बाहर लाने की आवश्यकता है। और अब ये मान्यता मिलने से बच्चों में थोड़ा सा उत्साह बढ़ा है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।